स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं जिशान आजमी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। उन्नीस के चुनाव के वक्त सांसद को यहां के स्थानीय लोगों ने गंदा पानी पिलाया था, उसके बाद आज भूमि पूजन हुआ, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? नहीं, थोड़ा मैं इसमें करेक्ट करता हूँ। लोगों ने सांसद को गंदा नहीं पानी पिलाया, सांसद ने खुद ने लोगों के हाथ से बॉटल लेकर वो पानी पिलाया पी लिया और लोगों के संवेदनाओं से अपनी संवेदनाएं मिलाई, उनके दुख दर्द को महसूस किया। ये उन्होंने खुद ने किया और उस वक्त उन्होंने ठान लिया था कि इन सभी को अच्छा पानी दूंगा, क्योंकि यहाँ के विधायक और नगर सेवक जो कर नहीं पाते थे उसके लिए सांसद जी अपने स्थान से नीचे आए और उनका काम सांसद जी ने कर दिया है। ये आप फर्क थोड़ा ध्यान में रखिए। कितने दिन में ये काम हो जाएगा जो अभी पानी का नया पाइपलाइन? देखिए, ये काम वैसे अगर कोरोना नहीं होता तो कभी का हो चुका था, दो साल कोरोना के कारण डिले हो गया, लेकिन अभी आज उसका जो भूमि पूजन हुआ है तो आने वाले 3 से 3.5 महीने में ये काम डेफिनेटली पूरा होगा और वॉर फुटिंग पे होगा। बारिश तो लंबे की बात है, उसके कई दिन पहले ये काम पूरा होने वाला है। 2800 घरों की पानी की समस्या थी, जिनको गंदा पानी आ रहा था, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं था, क्योंकि 40 से 45 साल पूरी पाइपलाइन थी, जो पाइपलाइन करोड़ हो गई थी, जिसके कारण उसका डायमीटर कम हो गया था और कई सारे गलत काम उसके ऊपर हुए थे। इसीलिए ये नॉर्मल काम नहीं है, सिर्फ एक पाइपलाइन देने का काम नहीं है, तो पाइपलाइन का नेटवर्क लगाने का काम है, ये आप मैं समझ लीजिए। और ये पहले फेज़ का 7.5 करोड़ का काम है, टोटल काम 14 करोड़ का होगा और मुझे लगता है ये अपने मुंबई के इतिहास में पहला काम होगा जहां पर म्हाडा ने फंड दिया है और महापालिका कर रही है। ये आप देख ध्यान में रखिए, क्योंकि अभी तक ये काम इसके लिए रुका हुआ था क्योंकि बीएमसी करना चाहती थी तो म्हाडा एनओसी नहीं दे रही थी। ये सांसद जी वहां पर गए, हम लोग उनके साथ गए, कई सारी मीटिंगें हो गई, बाद में म्हाडा ने बोला कि हम एनओसी दे देंगे, इतना ही नहीं हम खुद कर लेंगे। और म्हाडा ने 14 करोड़ का फंड भी पास कर लिया था। बीच में ये महाविकास आघाड़ी की सरकार आई, उन्होंने कुछ कानून में बदलाव किया, इसके लिए वो काम बोले नहीं महापालिका करेगी, ऐसा उन्होंने तय किया, इसके लिए रुका, नहीं तो म्हाडा ने कभी का काम चालू किया होता। कोविड आ गया, फिर अभी तय हुआ बीएमसी करेगी, ठीक है बीएमसी करेगी, हमें प्रॉब्लम नहीं है। फंड फिर हमने भी म्हाडा को बोला, आपने जो फंड पास किया है आप बीएमसी को दो, वो बीएमसी करेगी। तो इसके लिए विशेष ध्यान और विशेष प्रोविजन और विशेष मेहनत सांसद गोपाल शेट्टी जी की इसके लिए हुई है। पानी आने के बाद भी फिर अनऑथराइज इलीगल कनेक्शन शुरू होता है, बीच में टी लगाया जाता है, उस जिसके वजह से गंदा पानी भी आता है, तो ये समस्या पक्की है आगे चल के ऐसा हो सकता है? देखिए, हमारा काम सुविधाएँ मुहैया कराना है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी ये दायित्व है जो गलत काम यहाँ पर हो रहा है। स्पेशली देखिए, सांसद का काम पानी देना नहीं है, फिर भी उन्होंने किया, ये काम नगर सेवक और विधायक का है, उन्होंने ये देखना चाहिए कि इसके लिए कोई पैसे का लेन देन न करे, अनऑथोराइज लाइन नहीं जाए और लोगों को लेजिटिमेट पैसा, लीगल पैसा दे के ही लाइन मिले। ये काम हम लोग सब इंश्योर करेंगे, लेकिन इन जनप्रतिनिधियों का भी है जिनको सालों से लोग वोट देते हैं, उन्होंने भी ये देखना चाहिए कि सही लोगों को सही पानी मिले। विनोद जी, सांसद गोपाल शेट्टी जी को किस तरह से आप धन्यवाद देना चाहेंगे? नए पाइपलाइन एमएचबी कॉलोनी में आ रही है, हम लोग दिल से उनका अभिनंदन और शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि ये ऐतिहासिक काम है हमारे इस कॉलोनी का, क्योंकि हमारे कॉलोनी में करोड़ों रुपए की गली बनी है, सिर्फ कागज़ पर बनी है, वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ये जो पानी का काम है, पिछले 10-15 साल से हम लोग गटर का पानी पी रहे थे और हमारे सांसद ने इस पर विशेष ध्यान दिया और विशेष ध्यान देकर के ये आज जो है हमें सुविधा उपलब्ध करा के दी है। इसके लिए हम पूरी हमारे गायकवाड़ नगर सेवा संघ, हमारे गायकवाड़ नगर ओनर्स एसोसिएशन, गायकवाड़ नगर रिपेयरिंग बोर्ड रहवासी, सब की तरफ से मैं उनका हार्दिक शुक्रिया और अभिनंदन करता हूँ। ये कॉन्ट्रैक्टर से अभी डायरेक्ट गोपाल भाई ने हमारी बात करवाई सभी लोगों के सामने और कॉन्ट्रैक्टर ने 3 से 3.5 महीने के अंदर पूरा करके देगा, ये वादा किया है। और दूसरी बात यह है कि इसमें लगने वाले नेटवर्किंग के लिए जितने पाइप लगने वाले हैं वो सारे पाइप यहाँ पर आ गए हैं। ये जो पानी के दलाल हैं उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए आप क्या करोगे? पानी के जो दलाल है उनसे मैं यहाँ की जो जनता है उससे गुजारिश करूँगा कि ऐसे दलालों से सावधान रहे,
कोई भी किसी भी तरह का पैसे का व्यवहार ना करे। हमने सुना है ऐसे के कुछ लोग 15,000 रुपये मांग रहे जबकि पाइप का काम शुरू भी नहीं हुआ, 250 रुपये में कोई फॉर्म भरा के ले रहा है, तो ये सब गलत है। इस तरह का काम आप ना करें। आपको कोई भी समस्या हो तो यहाँ पर हमारा ऑफिस है गायकवाड़ नगर ओनर्स एसोसिएशन का, गायकवाड़ नगर सेवा संघ का, आप यहाँ पर आए और सारी चीज़ें जो है आपको निःशुल्क करवा के दी जाएगी। सिर्फ महानगर पालिके में जो ऑफिशियल फीस भरनी है, जो लाइसेंस प्लम्बर को जो देना है वो आपको देना होगा, बाकी इन दलालों के चंगुल में आप ना फंसे। एनओसी की बात हुई है, एनओसी के बारे में खुलासा कीजिए। एनओसी की कोई बात नहीं है, हम म्हाड़ा को रेंट दे रहे हैं, किराए दे रहे हैं और म्हाड़ा ने ही ये टेंडर निकाल करके घरों घर पानी देने का वादा जो हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी ने कार्य किया है उसको उन्होंने समर्थन देकर के दिया है, तो इसके अंदर एनओसी का कोई सवाल ही नहीं उठता मुझे लगता है।